महाराजगंज ब्लॉक प्रमुख पद के लिए बृहस्पतिवार को हुए नामांकन में भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी राजकुमार पासी ने पार्टी नेताओं संग जोश खरोश के साथ ब्लॉक मुख्यालय महाराजगंज पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन जुलूस से पूर्व पार्टी प्रत्याशी का महाराजगंज स्थित जिला पंचायत गेस्ट हाउस के कार्यालय में जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि भाजपा के क्षेत्रीय विधायक राम नरेश रावत ने मीडिया से रूबरू होते हुए पूरे विश्वास के साथ कहा कि भारतीय जनता पार्टी समर्थित उनके प्रत्याशी राजकुमार पार्टी की जीत सुनिश्चित है। दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को कोई टक्कर देने वाला नहीं है। इस मौके पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख सत्येंद्र प्रताप सिंह, भाजपा नेता विद्यासागर अवस्थी एडवोकेट पश्चिम बंगाल के संघ प्रचारक दिनेश सिंह बिल्ला सिंह ग्राम प्रधान प्रतिनिधि जनई दीपू चौधरी के अलावा जिल जिले के पार्टी नेता मौजूद रहे। आइए देखते हैं इसके इंडिया न्यूज के लिए रायबरेली से रजनीकांत अवस्थी की रिपोर्ट। तिष्ठाने विशस्तिनौ प्रहस्पतिरवधातु सकृदस्वा मरुता व्रसन्मातरः शुभं यानौ विदधे सु जगमयाग्निरजीवा मन्वः सुच्छसोऽभिसेनोः देवाः अवसागमन्निः भद्रं करुणे श्रणयाम देवाः भद्रं पशेमा च वियजत्राः स्थरैरङ्गे स्पृष्टाः सस्तनुव्रतै सेम देव हितं यदायुः बलौ शङ्कर भगवान् की जय गणेश भगवान् की जय रामचन्द्र की जय हो गया एक मिनट। विधायक जी किस क्या नाम है प्रत्याशी का जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? राजकुमार पासी इनका नाम है जी। और यार अच्छी सीट है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये अधिकृत प्रत्याशी हैं, पार्टी के द्वारा समर्थित प्रत्याशी हैं। और पूरे आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे विकासखंड के यहाँ उपस्थित हैं, चाहे सत्येंद्र प्रताप सिंह जी हों पूर्व प्रमुख, चाहे दीपू भाई हों, चाहे दिनेश सिंह जी हों, चाहे माननीय विद्यासागर अवस्थी जी हों, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं। तो हम विश्वास करते हैं 100% हमारी जीत सुनिश्चित है जी। जैसा कि जानकारी हुई है 3 प्रत्याशी ने पर्चा खरीदा है यहाँ पर, तो ऐसे में क्या उम्मीदें लगाई जा रही है? हमने कहा ना कि हम 100% जीतेंगे ही जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी जी। थैंक यू। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।